नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं एचआर चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पाठ्यक्रम। ठीक है, और इस पाठ्यक्रम में हम संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा न करते हुए केवल भारत के भूगोल के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है और किस प्रकार के प्रश्न वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। आज हम केवल इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जो साथी नए जुड़े हैं उन्हें सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं तो मेरा नाम हंसराज चौधरी है और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2015 के अंतर्गत मैं 137वें स्थान पर चयनित हूं। इसके अलावा मैंने कॉलेज व्याख्याता 2010 व 2015 के साक्षात्कार भी दिए हैं। तो अब हम बात करते हैं भारत के भूगोल के सिलेबस पर। अब यदि हम हमारे सिलेबस को देखें तो भारत का भूगोल में से हमारे पाठ्यक्रम में केवल ये 11 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें हमारे भारत की स्थिति, भौतिक विभाजन, जलवायु, वनस्पति, मिट्टियाँ, जनसंख्या, आपदा प्रबंध, फसलें, उद्योग, पर्यावरण, प्रदूषण एवं सतत विकास के टॉपिक दिए गए हैं। तो हम इसमें एक-एक करके देखते हैं कि किस अध्याय में से क्या-क्या हमें पढ़ना है और किस प्रकार के हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है भारत की स्थिति। जब हम भारत की आकार एवं स्थिति की बात करते हैं तो प्रारंभ में सबसे पहले हमें भारत का क्या पढ़ना पड़ता है, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार हमसे पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इसके पश्चात भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें भारत का क्षेत्रफल देखना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तो विश्व में 7वां स्थान है। तो आपको क्या है, इन देशों का क्रम भी याद होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के टॉप 10 कंट्रीज कौन सी है, जैसे रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। इस प्रकार से आपको क्या याद होना चाहिए, भारत का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 देशों का क्रम याद होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व तक चौड़ाई कितनी है, आपको ये याद रखना चाहिए। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। देखिए, इन चीजों को याद करने के लिए आपको भारत की मैपिंग आना आवश्यक है। यदि आपको भारत का मानचित्र में स्थानों का ज्ञान है तो आपको भारत का भूगोल अपने आप ही 50% से ज्यादा आ जाएगा। लेकिन यदि अगर आप इन चीजों को रटने का प्रयास करेंगे तो हमें भारत का भूगोल पढ़ने में काफी दिक्कत होगी। तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी चीज पढ़ें वो मानचित्र के द्वारा पढ़ें। तो जिस प्रकार से ये देखिए भारत है, अब इस भारत की आपको स्थिति पता होनी चाहिए कि इसका अक्षांशों में विस्तार कितना है, इसका देशांतरों में विस्तार कितना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है हमें ये पता होना चाहिए। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट आता है, कहाँ पे आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। भारतीय मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। इसके अलावा हम बात करें कि कच्छ की खाड़ी कौन सी है,
खंबात की खाड़ी कौन सी है, बंगाल की खाड़ी कौन सी है, मन्नार की खाड़ी कौन सी है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, कि भारत की सीमा किन-किन देशों से लगती है। जैसे भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, 7 देशों से लगती है। इन सबके अलग से वीडियो मैंने बना रखे हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जहां से आप इनको देख सकते हैं। तो अभी हम केवल शॉर्ट में बात कर रहे हैं कि हमें क्या-क्या पढ़ना होता है, भारत की आकार स्थिति और विस्तार में हमें क्या-क्या पढ़ना होता है। कि भारत की सीमा 7 देशों से लगती है, तो कौन-कौन से लगती है, तो क्रम से याद कीजिए कि यहां पर पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, इधर चीन है, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। इसके बाद हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। सबसे कम सीमा किससे लगती है, तो अफगानिस्तान से लगती है, ठीक है। इसके अलावा हम क्रम से भी याद कर सकते हैं कि दूसरे नंबर पे सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, क्योंकि कई बार देखिए अभी इतना कंपटीशन है कि आपसे डायरेक्ट ना पूछकर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, ये मतलब कौन से देश से भारत की सीमा कितनी लगती है, क्रम से बताइए। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा बांग्लादेश से लगती है, सेकेंड नंबर पे हमारे चीन से लगती है, थर्ड नंबर पे किससे लगती है, हमारे पाकिस्तान से लगती है। इसके अलावा हमें ये देखना है कि हमारे कौन-कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा किस-किस देश से लगती है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जैसे बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है, या फिर हम यूं बात करें कि निम्नलिखित में से किस राज्य से बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको भारत का मैप याद होना चाहिए। यदि अगर हमें भारत के नक्शे में राज्यों की स्थिति पता है, तो हम आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं कि भाई कौन-कौन से राज्य बांग्लादेश से लगते हैं और कौन-कौन से राज्य बांग्लादेश से नहीं लगते हैं। तो सीमापवर्ती देश या पड़ोसी देशों के बाद एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगली जो हमारी चीज आती है वो आती है कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा, तो आपको ये पता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से होके गुजरती है, 8 राज्यों से होके गुजरती है। कौन कौन से होके गुजरती है आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो उसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए कि ये पता होना चाहिए कि किस किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा हमें अगली जो चीज पढ़नी होती है वो है भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ठीक है। तो भारतीय मानक समय रेखा कितने पहली चीज तो भारतीय मानक समय रेखा किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को सबको पता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। कितने राज्यों से होके गुजरती है, 5 राज्यों से होके गुजरती है, किससे नहीं होके गुजरती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर देने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के परिचय में, तो इसका प्रशासनिक संगठन, प्रशासनिक संगठन के अंतर्गत आ जाते हैं हमारे राज्य और उनकी राजधानियां, ठीक है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां, ठीक है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि पहली चीज तो भारत में राज्य कितने हैं, फिर हमें यह पढ़ना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन से हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 छोटे राज्य
कौन से हैं, फिर उन राज्यों की स्थिति हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पता होनी चाहिए कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, फिर उनकी हमें स्थिति पता होनी चाहिए, उनकी हमें राजधानियां पता होनी चाहिए और क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम याद होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सेकंड नंबर का कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो इस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमें प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जल सीमा, कौन सी सीमा, जल सीमा, इसके अंतर्गत हम तीन चीजें पढ़ते हैं। पहला प्रादेशिक जल सीमा, दूसरा संलग्न क्षेत्र और तीसरा EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आर्थिक अनन्य क्षेत्र, कि कितनी दूरी तक भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं, EEZ क्या होता है, कितना भारत का EEZ है और समुद्र तट से कितनी दूरी तक भारत का EEZ स्थित है। तो इस प्रकार के प्रश्न हमें किस टॉपिक में पढ़ने होते हैं, भारत की स्थिति में, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आप पढ़िए और देखिए कि पुराने प्रश्न पत्रों में हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर आप इन सभी टॉपिक्स को याद कर लेते हैं तो कोई भी प्रश्न हमारे बाहर नहीं जाएगा। तो इस टॉपिक में हमें क्या करना है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, क्षेत्रफल, ठीक है, कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों से कौन कौन से राज्य लगते हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, भारत का सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी बिंदु, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व तक चौड़ाई कितनी है, इसके अलावा हमें भारत का प्रशासनिक संगठन देखना है कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जल सीमा के अंतर्गत प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और EEZ हमारे आते हैं। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है भारत का भौतिक विभाजन। यदि हम भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो हमें इसमें पढ़ना है कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो हमें पता है कि भारत को प्रमुख रूप से चार भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, इसके अलावा हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार और तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए भी सबसे पहले हमें भारत का नक्शे का प्रयोग करना है पढ़ते समय, जिससे हमारे लिए ये टॉपिक काफ़ी क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। ठीक है, यदि हम बात करें तो हमें पता है कि यहां पर हमारे क्या है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, इसके पश्चात उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, और यहां पर क्या आ जाएगा, तटवर्ती मैदान, और इधर की तरफ क्या आ जाएंगे, द्वीप समूह, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएंगे, और यहाँ पर हमारे क्या आ जाएंगे, लक्षद्वीप समूह आ जाएंगे। जब हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, हिमालय पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, हमको हिमालय पढ़ना है और इसका वर्गीकरण पढ़ना है कि हिमालय को हम तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इसके अलावा हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय का, ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि चार पर्वत श्रृंखलाएं आती है, जास्कर, लद्दाख, कैलाश और काराकोरम, ठीक है, कौन कौन सी पर्वत शिखर यहाँ पर स्थित है, कौन कौन से दर्रे। देखिए, यदि अगर हिमालय की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो हमें पर्वत शिखर, पर्वत
शिखर जिनको हम चोटियां भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम चोटियां भी, कि कौन सा पर्वत शिखर कहां पर स्थित है, ऊंचाई की दृष्टि से इनका क्रम क्या है, ठीक है। महान हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, इसके अलावा जास्कर श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, लद्दाख का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, भारत का सर्वोच्च शिखर केटू कहां पर स्थित है, गॉडविन ऑस्टिन, इसके अलावा यहाँ पर जो नेपाल में शिखर है इनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि बाएं से दाएं चलने पर क्रम क्या है। और आपके स्कूल व्याख्याता में पूछा गया है कि दक्षिण से उत्तर की ओर चलने पर पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम कौन सा है। तो जब कभी भी आप इनको पढ़ें तो मैप का प्रयोग जरूर करें कि कौन सी पर्वत श्रेणी या कौन सी पर्वत शिखर कहां पर स्थित है, उनकी स्थिति क्या है। इसके अलावा यहां पर हमें पढ़नी है घाटियां, ठीक है। आरएस 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि चुंबी घाटी कहां पर अवस्थित है, ठीक है। चुंबी घाटी यहां पर सिक्किम के यहां पर अवस्थित है, तो चुंबी घाटी पूछा गया है। कश्मीर घाटी कहां पर है, फूलों की घाटी कहां पर स्थित है, तो हमें क्या देखनी है, घाटियां पढ़नी है। इसके अलावा प्रमुख दर्रे, ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमें हिमालय में क्या पढ़ने हैं, प्रमुख दर्रे भी पढ़ने हैं, कि पहली चीज कौन कौन से दर्रे किस किस राज्य में स्थित है, पहले तो हमको ये देखना है। सेकंड चीज उनकी स्थिति क्या है, आपको मैप में निशान दे देंगे और कह देंगे 1, 2, 3 और 4 और चार दर्रों के नाम दे देंगे और आपको पहचानना होगा कि कौन सा दर्रा कौन सा है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर हमसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक तरफ आपको चार दर्रे दे देंगे और एक तरफ चार राज्यों के नाम दे देंगे और पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, या फिर हमसे कह सकते हैं कि आप इनको सुमेलित कीजिए। तो हिमालय के अंतर्गत हमको ये पढ़ना है। इसके अलावा हमें पूर्वोत्तर पहाड़ी प्रदेश भी हिमालय के अंतर्गत ही पढ़ना होता है, कि हमें ये पता है कि गारो खासी जयंतिया जो मेघालय में स्थित है वो हिमालय का भाग ना होकर किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। कौन कौन सी पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है, नागा पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, मणिपुर की पहाड़ियाँ, लुसाई की पहाड़ियाँ, पटकोई बूम कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इन सभी का अध्ययन हमें इसमें मैपिंग की सहायता से करना है, जहाँ से हमारे प्रश्न आते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें उत्तर का विशाल मैदान की, तो उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत हम इसको 5 उप विभागों में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। भाबर, तराई, खादर, बांगर और डेल्टा, ठीक है। इन 5 उप विभागों के अंतर्गत बांट के हम इनको पढ़ते हैं, कि सबसे ऊपर आता है भाबर, उसके दक्षिण में समानांतर रूप से तराई है, ठीक है। आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से भाग में नदियां लुप्त प्राय हो जाती हैं, तो भाबर में क्या होता है, चट्टाने बड़ी बड़ी होती है जिस कारण नदियों का जल चट्टानों के नीचे होके प्रवाहित होता है, इस कारण इसमें भाबर में नदियां क्या हो जाती है, लुप्त प्राय हो जाती हैं। फिर तराई आ जाएगा, खादर और बांगर, आप लोगों को पता है कि पुराने जलोढ़ मैदानों को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मैदानों को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। फिर आ जाता है डेल्टा, कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो डेल्टा बनाती है उसको क्या कहा जाता है, सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है, और ये जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब हम बात करें, तीसरा हमारा भौतिक प्रदेश आता है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हमें पढ़ना है कि पहली चीज तो कौन कौन सी यहाँ पे प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। तो यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, यहाँ पे विंध्याचल है, उसके दक्षिण में हमें सतपुड़ा पढ़नी है, इसके अलावा पश्चिमी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत पश्चिमी घाट श्रृंखला है, इधर पूर्वी तट के सहारे पूर्वी घाट श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है, तो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, दोदा बेटा हम पढ़ते हैं,
दोदा बेटा क्या है? दक्षिणी भारत का दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर है। दोदा बेटा के जस्ट दक्षिण में या नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां स्थित है, जिसका सर्वोच्च शिखर है अनाईमुड़ी, जो प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है। उसके नीचे इलायची की पहाड़ियां स्थित है और सबसे लास्ट में नागरकोविल की पहाड़ियां स्थित है। इसके अलावा हम यहाँ पर पढ़ते हैं मालवा का पठार पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे किसका पठार पढ़ते हैं? छोटा नागपुर का पठार पढ़ते हैं, दक्कन का पठार पढ़ते हैं। तो इनका हमें अध्ययन करना होता है और इसमें से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए, इस पश्चिमी घाट श्रृंखला में दर्रे हैं, आपने नाम सुना होगा, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, ठीक है ना, सीनकोट। तो इन दर्रों का क्रम पूछा जाता है, इन दर्रों में से रेल मार्ग निकाले गए हैं, आपसे उनका पूछ लेते हैं कि कौन सा रेल मार्ग या कहां से किसको जोड़ता है, ये बताइए कौन से दर्रे से निकलता है। तो ये प्रश्न आपको यहां से पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह की, तो तटवर्ती मैदानों के अंतर्गत हमें यहाँ पढ़ना है गुजरात का मैदान, कोंकण का मैदान, कन्नड़ का मैदान, मालाबार तट पढ़ना है हमको, कोरोमंडल तट पढ़ना है, उत्कल का तट कौन सा है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें इनका अध्ययन करना है। और द्वीप समूह के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अध्ययन करते हैं, ठीक है। हमारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, 9 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है। तो आपने यदि पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, मिनिकोय को मालदीव से पृथक करता है, ठीक है। इसके अलावा 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप समूह से क्या करता है, पृथक करता है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना होगा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे छोटा द्वीप कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इन्हीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत हम पढ़ते हैं बैरन द्वीप पढ़ते हैं, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा हम यहाँ पर नारकोंदम पढ़ते हैं, जो भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें भारत के भूगोल में भौतिक प्रदेशों का क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है। मैं फिर से एक ही बात बोलूँगा आपको कि यदि आप मैपिंग की सहायता से इनका अध्ययन कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होंगी, और आप केवल रट रट के और केवल फैक्ट्स याद कर रहे हैं तो आप जहाँ पर पेपर का टाइम आएगा हमारा, वहाँ पर आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि वर्तमान में यदि हम पुराने पेपर्स उठा के देखें तो आप लोग देखेंगे कि मैपिंग पे आधारित प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आपको 4 स्थान दे देंगे कोई से भी, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और यहाँ पे पूछ लेंगे आपसे कि बताओ यहाँ पर कौन सा खनिज मिलता है, या फिर बताओ यहाँ पर कौन सा उद्योग है। जैसे पिछली बार प्रश्न पूछा गया था तो 4 पॉइंट दे दिए गए थे और लोहा इस्पात उद्योग केंद्रों के नाम पूछे गए थे कि बताओ कौन सा कहाँ पर है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें मैपिंग आना आवश्यक है। तो भौतिक प्रदेश आप जब भी पढ़ें, देखिए सभी पुस्तकों में वही चीज़ लिखी हुई है, केवल हमारी अप्रोच का फर्क होता है कि हम किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं और ज्योग्राफी का स्टूडेंट होने के नाते हमें एटलस का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप मैपिंग की सहायता से पढ़ेंगे तो भूगोल आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो है जलवायु की। जलवायु में हमको क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। अब यदि हम बात करें जलवायु की, तो आप लोगों को पता है कि किसी भी स्थान की जो लंबे समय तक की मौसमी दशाएं होती है उसे क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। और ये प्रश्न पूछा भी गया है परीक्षा में कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब हम बात करें भारत की जलवायु में हमें, तो भारतीय मौसम विज्ञान परिषद ने भारत को 4 ऋतुओं में विभाजित किया है। कौन कौन सी ऋतु? तो ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। इसके बाद आती है
वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, और फिर आ जाएगी हमारे शीत ऋतु। ठीक है, चार ऋतुओं में विभाजित किया है। सबसे पहले यदि हम बात करें वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होता है? मानसून। ठीक है, मानसून के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। अब आप भारत के, अगर हम मानसून की बात करें, तो भारत के मानसून में हमें यह पढ़ना होता है कि भारत में मानसून आता कैसे है। ठीक है, भारतीय जो मानसून आता है जिसको ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं, उसकी जो पवने चलती है उनकी दिशा क्या होती है, हमें पता है कि इन्हें क्या कहा जाता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। ठीक है, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पर प्रवेश करता है? तो केरल के तट पर 1 जून को, या फिर हम कह सकते हैं मालाबार तट पर 1 जून को प्रवेश करता है। फिर हमें यह पता है कि यहाँ पर हमारे पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, तो इसके इधर वाले भाग में वर्षा ज़्यादा होती है, और इसके इधर वाले भाग को क्या कहा जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से मानसून पवने जाती हैं और वहाँ पर किससे टकराती है? हिमालय से टकराकर घूमती है। तो गारो, खासी और जयंतिया कौन से राज्य में है? मेघालय राज्य में है। वहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आपके मासिनराम है। पहले चेरापूंजी था, अब कौन सा है? मासिनराम है। इसके बाद मानसूनी पवने इधर की तरफ घूमती हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे क्या होती जाती है? मानसून में जो वर्षा की मात्रा है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, कहाँ सबसे कम होती है, मानसूनी पवनों की दिशा क्या होती है? ठीक है, फिर अरावली का हम यहाँ पर राजस्थान में पढ़ते हैं कि अरावली के पूर्वी भाग में वर्षा ज़्यादा होती है, पश्चिमी भाग में कम होती है। ठीक है, इसके अलावा भारत में वर्षा का औसत कितना है, कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा वर्षा नहीं होती है, ये सब हमको इसमें पढ़ना पड़ता है कि जब भारत में मानसून पूर्व वर्षा होती है तो चेरी ब्लॉसम क्या है, आम्र वर्षा कहाँ पर होती है। ठीक है, चेरी ब्लॉसम किन राज्यों में होती है, मानसून का जो प्रवेश होता है वो किस प्रकार से होता है, हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद मानसून से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमें वो भी यहीं पर पढ़ने होते हैं कि मानसून की प्राचीन संकल्पना कौन सी है, हमारे गतिक संकल्पना कौन सी है, पी कोटेश्वर हमने क्या समझाया, हीट इंजन क्या होता है, जेट स्ट्रीम किस प्रकार से मानसून को प्रभावित करती है। ठीक है, पछुआ पवने क्या होती है, इसके अलावा मावट क्या होती है, कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है, मावट किन किन राज्यों में होती है, कहाँ सर्वाधिक होती है, ये सब चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अलावा एक चीज़ हमें पढ़ना होता है, मानसून का प्रत्यावर्तन। ठीक है, रिट्रीट ऑफ मानसून जिसे कहा जाता है, या फिर मानसून का लौटना। तो मानसून किस प्रकार से लौटता है, लौटते हुए मानसून को शीतकालीन मानसून कहते हैं, लौटते हुए मानसून की दिशा क्या होती है, लौटते हुए मानसून के द्वारा सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है, किस तट पर होती है, ये लौटते हुए मानसून से इसी तट पर वर्षा क्यों होती है, इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की, तो ग्रीष्म ऋतु का सीधा सा संबंध सूर्य की स्थिति से है। हमें पता है कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो तापमान ज़्यादा प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और मई जून में हमारे उत्तर भारत में गर्मियाँ होती हैं। तो लू क्या होती है, ठीक है, नार्वेस्टर्स क्या होते हैं, तड़ित झंझा क्या होती है, बारदोली छीड़ा क्या होती है, ये सब हम इस ऋतु के अंतर्गत पढ़ते हैं। और शीत ऋतु के अंतर्गत ज़्यादा हमारे कोई क्वेश्चंस बनते नहीं है, तो इस प्रकार से आप इसकी मानसून की जो कॉन्सेप्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ रह गई आपके कि मानसून में हमें पढ़ना है अलनीनो क्या होता है, अलनीनो कैसे आता है, भारत के मानसून पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, वोकर सेल क्या है ये देख लीजिएगा, इसके अलावा इंसो क्या है, इसके अलावा आप अलनीनो प्लस सदर्न ऑसिलेशन दक्षिणी दोलन
दक्षिणी दोलन, ये क्या होता है? तो इन टर्म्स को आप देख लीजिएगा, यहाँ से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इंसो क्या है, दक्षिणी दोलन क्या है, अलनीनो आएगा तो भारत के मानसून पे क्या प्रभाव पड़ता है, भारत का मानसून अच्छा रहेगा या फिर भारत का मानसून कमजोर रहेगा, ये सभी इन तत्वों पर इनका प्रभाव भारत के मानसून पे पड़ता है, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है भारत की वनस्पति। अब हम बात करते हैं भारत की वनस्पति की, तो वनस्पति में से जो वर्तमान में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके लिए आपको ISFR, ठीक है, इसके डेटाज पढ़ने होंगे। ISFR क्या है? इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा जो भारत में वनों के आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं, हमको उनका अध्ययन करना है। यह आंकड़े क्या हैं? प्रति 2 वर्ष के पश्चात प्रदर्शित किए जाते हैं, तो जो लेटेस्ट डेटा है आपको वो पढ़ना होता है कि भारत में कुल या कुल वन क्षेत्र कितना है, ठीक है, भारत में वन क्षेत्र की स्थिति से 1, 2, 3, 4 नंबर पे कौन कौन से राज्य आते हैं, भारत में न्यून वन क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं, 4 आपको वो पढ़ने होंगे। इसके अलावा वनों की सघनता या फिर हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन या प्रतिशतता, वो किन राज्यों में ज़्यादा है, किन राज्यों में कम है, भारत में वन क्षेत्र सर्वाधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में है, न्यून किस केंद्र शासित प्रदेश में है, सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन प्रतिशत किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, ठीक है। तो ये आपको लेटेस्ट पढ़ने होते हैं ISFR, जिसको क्या कहा जाता है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कहा जाता है, जो वन विभाग के द्वारा प्रति 2 वर्ष के अंतराल पे प्रदर्शित की जाती है। इसके अलावा हमें पढ़ना है कि भारत में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं, पर्णपाती वन कहाँ पे पाए जाते हैं, पर्वतीय वन कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन कौन से वृक्ष इनके अंतर्गत आते हैं, मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है, भारत में मैंग्रोव का क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर है, किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है जिन्हें हम ज्वारीय वन या दलदलीय वन भी कहते हैं, कौन से राज्य में सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है, मरुस्थलीय वनस्पति कहाँ पाई जाती है, क्या विशेषता है, जीरोफाइट किसे कहा जाता है, हाइड्रोफाइट्स किसे कहा जाता है, इस प्रकार के प्रश्न हमारे वनस्पति में से पूछे जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो लेटेस्ट डेटा है उनमें से ही ज़्यादा चांस होते हैं आपके पूछने के कि किस प्रकार के वन कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ, जहाँ से हमारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब हम बात करें कि भारत की मिट्टियों वाले टॉपिक में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो देखिए भारत की मिट्टियों को प्रमुख रूप से 8 प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो अगर हम भारत के मैप की बात करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार की मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है और किस प्रकार के हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भारत की मिट्टियों को प्रमुख रूप से 8 भागों में बांटा गया है, ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी। तो भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, दूसरे नंबर पे लाल पीली मिट्टी, तीसरे नंबर पे हमारे आ जाती है काली मिट्टी, चौथे नंबर पे लेटराइट मिट्टी, इसके अलावा पर्वतीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। इन 8 मिट्टियों में विभाजित किया गया है। हमें ये देखना होता है कि जलोढ़ मिट्टी किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, खादर क्या होता है, बांगड़ क्या होता है, ठीक है, लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मिट्टी का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है, किन किन राज्यों में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, काली मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है,
काली मिट्टी को रेगुर। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि रेगुर किसे कहा जाता है, काली मिट्टी को ही क्या कहा जाता है, रेगुर कहा जाता है। काली मिट्टी को ही कपास मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कपास की कृषि क्या होती है, ज्यादा होती है। काली मिट्टी को ही स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गीली होने पर यह क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पर इसमें क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती हैं। लैटराइट मिट्टी को ईंटिया मिट्टी कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है? तो लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, विशिष्ट जलवायु वाले क्षेत्रों में, जहां पर तापमान और वर्षा दोनों ज्यादा होते हैं, वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा पर्वतीय मिट्टियां, दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी की क्या विशेषताएं होती है, लवणीय मिट्टियां क्या होती है, अम्लीय मृदा क्या होती है, क्षारीय मृदा क्या होती है, पीएच स्केल क्या होता है, मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है, मृदा की क्षारीयता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है। इसके अलावा जो वर्गीकरण है, जिसका नाम सुना होगा आपने, इंसेप्टी सोइल कौन सी होती है, वर्टी सोइल कौन सी है, एंटी सोइल, यह वर्गीकरण भी हमको ध्यान देना है कि इंसेप्टी सोइल्स कौन सी होती है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कौन सी मिट्टियां पाई जाती है। तो आप तो पढ़ जाएंगे कि जलोढ़ मिट्टी मिलती है, लेकिन आपके वहां पे ऑप्शंस आएंगे हिस्टो सोइल, इंसेप्टी सोइल, वर्टी सोइल, एंटी सोइल, तब क्या करेंगे। तो यह वर्गीकरण भी हमको क्या पढ़ना है, पढ़ना है। इसके अलावा एक चीज ध्यान दीजिएगा, वहां पर हमारे रह गया जलवायु में, जलवायु में कोपेन और थोनथ्वेट का वर्गीकरण भारत के संदर्भ में पढ़ के हमको जाना है कि कोपेन के वर्गीकरण के अंतर्गत कितने भागों में, 9 भागों में विभाजित किया गया है। AMW जलवायु कहाँ मिलती है, CWS कहाँ पर मिलती है, AS कहाँ पर मिलती है, BSHW कहाँ पर मिलती है, थोनथ्वेट के वर्गीकरण में कौन सा क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, वो भी हमें यहाँ पर देखना है। तो मिट्टियाँ यहाँ पर हो गई, मृदा की समस्याएं क्या होती है, भारत में मृदा का पीएच स्केल कितना है, भारत में मृदा में एनपीके अनुपात कितना है, तो ये चीजें हमें देखनी है जहाँ से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की कक्षा में हमारे केवल हमने 5 टॉपिक के बारे में चर्चा की है। आगे की कक्षा में हम बचे हुए टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे कि किस टॉपिक में से किस प्रकार से हमको पढ़ना है और किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए पढ़ने की। और ये वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप में से कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हमें पता ही नहीं है, हम फ्रेशर्स हैं, हमने अभी अभी एमए की है, हमें क्या पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। अगले वीडियो में हम बाकी के टॉपिक्स पे देखेंगे कि किस प्रकार से हमको पढ़ना है और क्या क्या हमें पूछा जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।